हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो हमारा ओप्पो A17K 5G फ़ोन है, तो ओप्पो A17K 5G फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर जो हमारे फ़ोन में ऑप्शंस आता है कि कैसे आप फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर नेटवर्क एंड इंटरनेट की प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे कर सकते हैं और कैसे अपने फ़ोन में नेटवर्क इंटरनेट सेटिंग्स को रीसेट करके प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे, तो आज हम वीडियो में बताने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाने ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि फ़ोन के आइकन्स हैं, शोर हैं, तो आपको स्वाइप करना है। स्वाइप करते ही ऑल आइकन्स ओपन हो जाएंगे, फिर आपको सेटिंग्स पे जाना है। क्लिक करते ही फ़ोन की सेटिंग्स ओपन हो जाएगी। तो जो हमारे फ़ोन में ऑप्शन आता है कि कैसे आप फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर नेटवर्क एंड इंटरनेट की प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे कर सकते हैं, और देखते हैं कैसे आप नेटवर्क इंटरनेट की प्रॉब्लम को सॉल्व करके यूज़ कर सकते हैं। सिंपली आपको सिस्टम सेटिंग्स पे जाना होगा, रीसेट ऑप्शंस पे जाना होगा। तो रीसेट ऑप्शंस पे जाते ही आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगा जिस पे जाकर आप नेटवर्क एंड इंटरनेट की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। सिंपली रीसेट सेटिंग्स का ऑप्शन आ रहा है, इस पर टैप करना है, और इस पर टैप करते ही आपको इस पर टैप कर देना है। जो भी आपकी नेटवर्क इंटरनेट सेटिंग्स से रीसेट हो जाएगी और जो भी प्रॉब्लम होगी नेटवर्क इंटरनेट की आपके फ़ोन में सॉल्व हो जाएगी। तो इस तरीके से भी आप नेटवर्क इंटरनेट सेटिंग्स को रीसेट करके नेटवर्क इंटरनेट की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं ओप्पो फ़ोन में। और सिंपली अगर आपको ऑप्शंस नहीं चाहिए तो यहाँ से भी आप सेटिंग्स पे जा सकते हैं। आपको बस सर्च करना नेटवर्क इंटरनेट प्रॉब्लम, पर यहाँ पर इस तरीके से कोई भी ऑप्शंस नहीं आएगा, तो आपको सर्च करना होगा रीसेट नेटवर्क सेटिंग। तो डायरेक्टली आप सेटिंग्स पे चले जाएंगे और डायरेक्टली सेटिंग्स पे जाकर इस ऑप्शंस के जरिए नेटवर्क इंटरनेट की प्रॉब्लम को आप यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाने ना भूलें। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करें, वीडियोस को शेयर करें। थैंक यू।